हेलो नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ तो बीएससी पार्ट सेकंड की बात करेंगे अपन और एक नई बुक चालू करते हैं अपन, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस देखो, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि अपने सेकंड ईयर में 6 बुक चलती हैं। सेकंड ईयर की बात कर रहा हूं तो 6 बुक होती हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो तो अपना होता है अपना जो पहला पेपर होता है वो होता है रियल प्लस मैट्रिक, रियल एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस का। सेकंड जो पेपर होता है वो अपना होता है ODE प्लस PDE का। और जो थर्ड पेपर होता है वो होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस और वेक्टर स्पेस VS या वेक्टर कैलकुलस मान लो, इसके पेपर होते हैं वेक्टर कैलकुलस। अपन ने ये तो पूरा पढ़ लिया है, ये अपने ऑफलाइन क्लासेज का इंतज़ार करते हैं, उस पर पढ़ेंगे रियल और मीट्रिक को। फिलहाल मैं आपको ये वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ। वेक्टर कैलकुलस होने के बाद में इसमें 4 यूनिट एन ए में, 1 यूनिट वेक्टर कैलकुलस में, ये यूनिट होने के बाद में फिर अपन एन ए के ऊपर आएंगे, फिर ये होने के बाद में रियल मीट्रिक के ऊपर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो मैंने समझा दिया है आपको। अब वेक्टर कैलकुलस है वो एक यूनिट है, पेपर थर्ड है और पेपर थर्ड का 5th यूनिट है वो वेक्टर कैलकुलस है। और आज जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सदिशों का अवकलन। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिशों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का अवकलन। दोस्तों बहुत ही आसान सी बुक है ये, और जिस भी दोस्त ने बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो बुक चलती है उसमें डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, प्रवणता वो पढ़ा होगा तो उसको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सदिशों का अवकलन चैप्टर नंबर फर्स्ट, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है वो है अपनी दोस्तों सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है इसको, एकमानी फलन। ओके, क्या होता है दोस्तों इसके बारे में अपन लिखेंगे, R बराबर FT, सुनना ध्यान से, R बराबर FT इसका मतलब है कि जो F है वो T का फलन है। दोस्तों ये जो T होता है ना उसको तो बोला जाता है अदिश चर, क्या बोला जाता है इसको, अदिश चर, ये तो होता है अदिश चर ये। और जो T होता है वो होता है वेक्टर, क्या होता है वेक्टर, इसको बोला जाता है सदिश। टी तो होता है ये, आर तो होता है सदिश और टी होता है अदिश चर। तो अब आप एफ टी को बताओ ऐसे बोल सकते हो या नहीं, कि जो एफ टी है उसको ऐसे बोल दो अदिश चर का फलन है, अदिश चर का फलन। इस एफ टी को क्या कहा जा सकता है, एफ टी को कहा जा सकता है अदिश चर का फलन। अरे जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स में चर क्या होता है भाई, एक्स होता है, तो एफ एक्स को एक्स का फलन कहा जाता है। वैसे ही टी है, टी तो अदिश चर है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर अपना जो वेरिएबल है, और जो आर है वो क्या है, सदिश। आप इसके वैक्टर भी लगा सकते हैं, आप इसके वैक्टर ना लगाओ तो इसको थोड़ा देखो बुक के अंदर क्या कर रखा है, कि जहाँ भी आर लिखता है ना उसको थोड़ा गहरा कर रखा है इसने, क्या कर रखा है, थोड़ा डार्क कर रखा है। तो डार्क कर रखा है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये आर है, या फिर आप इसके वेक्टर लगा दो, वही बात है।
तो आर बराबर हो गया एफ टी। तो ये तो हो गया अदिश चर। एफ टी को बोला जाता है अदिश चर का फलन, या तो अदिश चर का फलन बोल दो, या फिर इसको बोलना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, सदिश फलन। भाई ये सदिश है तो ये पूरा भी सदिश बनेगा, ये सदिश है तो ये पूरा भी सदिश बनेगा। तो या तो इसको अदिश चर का फलन बोल दो या फिर सदिश चर बोल दो, सदिश फलन बोल दो। तो मैंने ये बोला कि भाई r बराबर एफ टी में t तो अदिश चर होता है, r होता है वो सदिश होता है, इस एफ टी को अदिश चर का फलन बोला जाता है या फिर सदिश फलन बोला जाता है। अगर दोस्तों ऐसा हो कि t के एक मान के लिए, जैसे t बराबर मैंने रखा 1, t बराबर 1 पे r का, जैसे एफ टी बराबर मान लो टी स्क्वायर है, एफ टी बराबर टी स्क्वायर है, तो टी बराबर 1 रखा तो r का जो मान आएगा वो एक मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि t बराबर 1 रखा तो एफ टी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर बराबर 1 तो r का मान 1। तो कुल मिला के अगर t के एक मान के लिए r का एक मान निकल के आए, अगर t की जगह कोई भी वैल्यू मैंने पुट की तो t के एक मान के लिए r का एक मान निकल के आता है ना, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन। और अगर t के किसी एक मान के लिए r के एक से अधिक मान निकल के आए तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। क्या कहा जाता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यदि t के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए, मान के लिए r का, r क्या है, r एक वेक्टर है, सदिश है, r का एक मान प्राप्त हो तो, एक मान प्राप्त हो तो ft को, अच्छा ft को या तो सदिश फलन बोल दो या अदिश चर का फलन बोल दो, ft को एकमानी फलन कहा जाता है, सिंगल वैल्यूड फलन कहा जाता है, एकमानी फलन कहा जाता है। अगर आपने t का एक मान रखा और r का मान भी एक ही मिला तो अपना जो ft जो फलन है उसको क्या कहा जाता है, एकमानी फलन कहा जाता है। ये तो एकमानी फलन की परिभाषा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशन देखिए, अच्छा ध्यान रखना, ये t तो अदिश होता है, r सदिश होता है, ft को अदिश चर का फलन या सदिश फलन कहा जाता है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि अगर यह t कॉन्टीन्यूस है, अगर t का मान कॉन्टीन्यूसली रूप से विचरण करता है तो जो ft बना तो ft का मान भी कॉन्टीन्यूस होता है, अगर t कॉन्टीन्यूस होता है तो ft भी अपना कॉन्टीन्यूस होता है, संतत होता है। और ft किसके बराबर है, r के बराबर। तो ये भी मैं लिख सकता हूँ नीचे, नोट पॉइंट बना के लिख लेंगे, नोट पॉइंट इसी में, यदि यदि अदिश चर, यदि अदिश चर t संतत होता है या संतत विचरण करता है तो, या संतत होता है तो एक ही बात है, यदि अदिश चर t संतत विचरण करता है तो, करता है तो r भी संतत होता है या संतत, संतत है विचरण करता है। अब जैसे इसके मैं एग्जाम्पलों की बात करूं दोस्तों, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं लिखता हूं r वेक्टर बराबर ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस 280, ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस 280 जे कैप, r वेक्टर बराबर ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस 280 जे कैप।
तो बताओ ये पूरा का पूरा टी का फलन बना कि नहीं बना? पूरा का पूरा टी का फलन बना। अच्छा, और इस पूरे फंक्शन को क्या बोलेंगे, आई कैप और जे कैप आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है एकांक सदिश होते हैं, आई कैप और जे कैप होते हैं, वो अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश होते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को तो आई कैप कहा जाता है और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश होता है उसको जे कैप कहा जाता है। तो आई कैप और जे कैप जब भी किसी फलन के साथ में लग जाते हैं तो वो फलन सदिश फलन बन जाता है, तो ये सदिश फलन बन गया। तो लिख दूंगा एक, ये एक परवलय का सदिश समीकरण है, सदिश, ये एक परवलय का सदिश समीकरण है, r बराबर ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस टू ए टी जे कैप परवलय का सदिश समीकरण है। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर दो, जैसे r वेक्टर बराबर, मैंने ये बोला a cos t आई कैप प्लस बी साइन टी या ए साइन टी, बी साइन टी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसमें थोड़ा, आर बराबर मैंने बोला ए साइन टी आई कैफ बी साइन टी जे कैफ, तो ये किसका समीकरण बनेगा भाई, एक्स बराबर तो ए कोस टी लोगे और वाई बराबर बी साइन टी लोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आप करोगे तो फिर वहां से जो बन के आएगा वो अपना क्या बन के आएगा, एक इलिप्स का समीकरण आएगा, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण है। कौन सा समीकरण है, दीर्घवृत्त का सदिश समीकरण है। और दोस्तों ए और बी दोनों को सेम ले लोगे तो फिर किसका समीकरण निकल के आएगा, सर्किल का सदिश समीकरण निकल के आएगा, क्योंकि एक्स बराबर, ये तो एक्स का मान होता है, एक्स बराबर ए कोस टी और वाई बराबर अगर ए साइन टी ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा, वो तो सर्किल बन जाएगा, और ए और बी अलग अलग ले लेते हैं तो क्या बनता है, दीर्घवृत्त बनता है। तो इस प्रकार से मैंने इसके एग्जाम्पल भी बताए हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसको उतारिए आप। ओके, चले आगे। अगली परिभाषा है दोस्तों अपनी, ये जो सदिश फलन एफ टी की बात कर रहे हैं इसकी सीमा और सांतत्य की परिभाषा, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा। तो ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो जब अपन रियल एनालिसिस चलेगा ना उसके अंदर लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा को अच्छे से आप समझ पाओगे, लेकिन फिलहाल तो अपना जैसे ट्वेल्थ क्लास का नॉलेज है वो नॉलेज भी काम में आ गया, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में भी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की परिभाषा काम में आ जाती है, तो उस हिसाब से मैं लिखता हूँ। देखो लिखता हूं, सदिश फलन एफ टी की सीमा, पहले तो सीमा, लिमिट ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ टी, सीमा लिमिट क्या होता है, लिमिट क्या होता है दोस्तों बाद में लिखा दूंगा, पहले देखो। मान लो कि कोई अदिश सर है टी, कोई अदिश सर क्या है टी, तो अदिश सर टी है वो किसी फिक्स नंबर टी नोट की तरफ गति करता है, अदिश सर टी है वो किसी फिक्स नंबर टी नोट की तरफ गति करता है, तो अपना जो सदिश फलन एफ टी है, जो सदिश फलन एफ टी है वो किसी सदिश राशि एल की तरफ गति करता है, तो जो L होता है L को अपना सदिश फलन एफ टी की क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। दोबारा सुनना,
अपना अदिश सर टी अगर किसी फिक्स स्केलर अपना क्वांटिटी टी नोट की तरफ मूव करता है तो अपना सदिश फलन एफ टी है वो भी किसकी तरफ मूव करे, एल की तरफ मूव करता है, तो एल को सदिश फलन एफ टी की सीमा कहा जाता है। तो इसमें मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार सीमा की, ये वही है जो आप 12th क्लास में पढ़ते आए हैं। क्या लिखूंगा, यदि कोई अदिश चर टी टी नोट की तरफ अग्रसर हो, गति करें या अग्रसर हो, यदि कोई अदिश चर टी टी नोट की तरफ अग्रसर हो तब सदिश एल को सदिश फलन एफ टी की एफ टी की सीमा कहा जाता है यदि एक धनात्मक संख्या एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक धनात्मक संख्या डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार उपस्थित हो कि ये डेफिनेशन आपने 12th क्लास में भी पढ़ ली है, उपस्थित हो कि कैसे, देखो इस प्रकार उपस्थित हो कि एफ टी और अपना जो एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या आना चाहिए, एप्साइलन आना चाहिए, लेस देन एप्साइलन आना चाहिए वेन ईवर जब कभी अपना टी है वो टी नोट की तरफ गति करे, या फिर ऐसे लिख लो टी और टी नोट का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो ये अपनी परिभाषा है दोस्तों सदिश फलन एफ टी की सीमा। क्या बोला मैंने, जब कोई अदिश चर टी टी नोट की तरफ गति करता है तो जो एल है एल को एफ टी की सीमा कहा जाता है। अगर एफ टी और एल का डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन एप्साइलन, जहाँ एप्साइलन और डेल हैं वो कुछ पॉजिटिव संख्याएं हैं, तो ये अपनी सीमा की परिभाषा है। ठीक है, तो आप इस सीमा की परिभाषा को देखिए फिर अपन आगे चलेंगे। अच्छा, इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, मैं लिखता हूं, इसे निम्न प्रकार भी दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, देखो लिमिट टी किसकी तरफ गति कर रहा है, टी नोट की तरफ गति कर रहा है, टी है वो टी नोट की तरफ गति कर रहा है, तो एफ टी की सीमा का मान एल, तो इसे एल लिखा जाता है, तो इस प्रकार भी दर्शाया जाता है। और इसे कैसे पढ़ते, इसे ऐसे पढ़ते हैं कि जब कोई अपना अदिश चर टी नोट की तरफ गति करता है तो अपना सदिश फलन एफ टी जिस फिक्स नंबर की तरफ गति करता है उसे उस फंक्शन सदिश चर की या उस फंक्शन की सीमा कहा जाता है। तो टी नोट की तरफ गति करता है तो एफ टी अगर एल की तरफ गति करता है तो एल को एफ टी की लिमिट कहा जाता है। ओके,
आगे चलें, ये तो है सदिश फलन एफ टी की सीमा। अगर आप अगली डेफिनेशन की तरफ चलोगे तो दोस्तों वो अपने को मिलेगी सदिश फलन एफ टी की संतत्यता। सदिश फलन एफ टी की संतत्यता, सदिश फलन एफ टी की सांतत्यता, या संतत सांतत्यता क्या होता है दोस्तों? देखो संतत क्या होता है, मान लो किसी बिंदु के ऊपर अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे तो अपन बोलेंगे कि भाई इस बिंदु पे अपने फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। किसी बिंदु के ऊपर संतत कब कहलाता है फलन? किसी बिंदु के ऊपर संतत तब कहलाता है जब उस बिंदु के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान तथा उस बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान, अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है कि इस बिंदु के ऊपर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, अपना संतत फलन है। तो वो कुल मिला के मैं ये बोलूँ कि भाई कोई फलन है वो टी बराबर टी नोट किसी पॉइंट के ऊपर संतत कहलाता है यदि यदि टी नोट के ऊपर लिमिट का मान और टी नोट के ऊपर फंक्शन का मान दोनों बराबर आ जाए तो वो फंक्शन एफ टी है वो टी बराबर टी नोट पे क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। देखो लिखेंगे एक फलन एफ टी, एक फलन एफ टी बिंदु टी बराबर टी नोट पर संतत कहलाता है, टी बराबर टी नोट पर संतत कहलाता है यदि टी बराबर टी नोट पर सीमा का मान वह फलन का मान बराबर हो, सीमा का मान वह फलन का मान बराबर हो। इसका मतलब क्या है, टी बराबर टी नोट पर सीमा का मान तो क्या होता है, लिमिट। टी बराबर टी नोट पर सीमा का मान होता है लिमिट टी गोंस टू टी नोट और एफ टी। ये तो सीमा का मान हो गया टी बराबर टी नोट पर, और फलन का मान क्या है टी बराबर टी नोट पर, एफ टी नोट। फलन का मान है एफ टी नोट टी बराबर टी नोट पर। तो सीमा का मान और फलन का मान टी बराबर टी नोट पर अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो फलन एफ टी टी बराबर टी नोट पर क्या कहलाता है, संतत कहलाता है। ये है दोस्तों अपनी संतत्यता की परिभाषा। इंक डाल लेते हैं अपन। चले आके ये सांतत्यता की होगी। अब है अवकलज, जो अपने चैप्टर का जो नाम है ना सदिशों का अवकलन, उस अवकलन की परिभाषा क्या है। देखो अब जो चैप्टर का जो नाम है उसके ऊपर आ गए अपने, सदिश का अवकलज। देखो सदिश का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, सदिश का अवकलज।
सदिश का उपलज क्या होता है? मैं माना कि r बराबर एफ टी कोई सदिश है, माना कि r बराबर एफ टी कोई संतत, अच्छा अवकलनीयता के लिए पहले संतत्यता होनी चाहिए, r बराबर एफ टी कोई एक मानी, माना कि r बराबर एफ टी कोई एक मानी वह संतत फलन है, r बराबर एफ टी कोई सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है r बराबर एफ टी, तब डी आर अपॉन डी टी को, भाई ये r वेक्टर है ध्यान रखना, लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, तब डी आर अपॉन डी टी को क्या कहा जाता है? डी आर अपॉन डी टी को r का t के सापेक्ष प्रथम जो अवकलज कहा जाता है, तब डी आर अपॉन डी टी को r वेक्टर का t के सापेक्ष अवकलन कहा जाता है। डी आर वैक्टर अपॉन डी टी को r का t के सापेक्ष अवकलन कहा जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित है, अवकलन कैसे परिभाषित होता है, देखो डी आर वैक्टर अपॉन डी टी बराबर लिमिट, देखो एफ टी फलन है तो टी में डेल्टा टी परिवर्तन करो तो एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी, और भाग किसका दो, डेल टी का भाग दो, और लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो। ये अवकलन की ये पहले भी अपनी पढ़ी हुई है ट्वेल्थ क्लास में कि टी में अल्पांश परिवर्तन डेल्टा टी करो, फिर उसमें एफ टी घटाओ और फिर डेल्टा टी का भाग दो, तो ये किसकी परिभाषा है, आर का टी के सापेक्ष प्रथम अवकलन, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो प्रथम अवकलन हो गया। अच्छा हियर जो डी अपॉन डी टी होता है, डी अपॉन डी टी बताओ डी अपॉन डी टी को क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल संकारक, हिंदी में बोले तो क्या कहा जाता है, अवकल संकारक। चलो ठीक है, इसको कीजिए दोस्तों, ये सदिश का अवकलज हो गया। चले आगे, आगे पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलज, जिसको बोला जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है अपना, ऐसे सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव क्या होते हैं तो मैं इसको हटाता हूं। और जो अपना टॉपिक लिखते हैं वो लिखते हैं अगला उत्तरोत्तर अवकलज, उत्तरोत्तर अवकलज, इसको बोला जाता है सक्सेसिव डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव उत्तरोत्तर अवकलज। उत्तरोत्तर अवकलज का मतलब क्या है कि यदि r बराबर एफ टी है, देन r का t के सापेक्ष जो प्रथम अवकलज होता है उसको dr अपॉन dt कहा जाता है, या फिर शॉर्ट में इसको लिखा जाता है r डॉट,
अगर आर के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है इसका मतलब आर का टी के सापेक्ष से प्रथम अवकलज, तो इसे कहा जाता है आर का, आर तो वेक्टर है, वो टी अपना होता है वो स्केलर स्केलर वेरिएबल होता है, तो आर वेक्टर बराबर डी आर अपॉन डी टी, आर का टी के सापेक्ष से प्रथम अवकलज, टी के सापेक्ष प्रथम अवकलज, आर का टी के सापेक्ष प्रथम अवकलज तो आर डॉट होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर डबल डॉट, तो आर डबल डॉट का मतलब क्या है, आर का टी के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको क्या बोलूंगा, आर का टी के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, आर का टी के सापेक्ष सेकंड डेरिवेटिव होता है, उसको आर डबल डॉट से दर्शाया जाता है। ऐसे ही आर ट्रिपल डॉट, आर ट्रिपल डॉट बना हुआ है तो उसको क्या लिख देंगे, डी थ्री आर अपॉन डी टी क्यूब, इसका मतलब आर का टी के सापेक्ष, आर का टी के सापेक्ष थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड ऐसे ही आगे चलता रहेगा, फोर्थ डेरिवेटिव को आर के ऊपर चार डॉट लगा के दर्शा देंगे। तो इनको दोस्तों आर के टी के सापेक्ष सक्सेसिव डेरिवेटिव कहा जाता है, उत्तरोत्तर अवकलन, मतलब पहला अवकलन, दूसरा अवकलन, तीसरा अवकलन, तो इसको उतारिए। ये हो गया अपना सक्सेसिव डेरिवेटिव की बात। ओके चलिए आगे। अब घटकों के पदों में सदिशों का अवकलज कैसे होता है, देखो दोस्तों अगली हेडिंग है, ये छोटी छोटी चीजें ये सब आते हैं आपको। अगला है घटकों के पदों में, घटकों के पदों में सदिशों का अवकलज, सदिशों का अवकलज, घटकों के पदों में सदिशों का अवकलज, इसका क्या मतलब है, मान लिया कि लेट r बराबर जो एफ टी होता है ना, एफ टी को मैंने ये ऐसे लिख दिया, एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ प्लस जेड के कैफ, इसका मतलब r बराबर एफ टी में एक्स वाई जेड है वो टी के फलन है, हियर जो x है वो भी किसका फलन है, एक्स ओ टी लिख दो, इसका मतलब t का फलन है, जो y है वो भी किसका फलन है, टी का फलन है, और जो जेड है वो भी टी का फलन है, मतलब एक्स की जगह जैसे टी स्क्वायर आ गया, वाई की जगह जैसे टू टी आ गया, जेड की जगह जैसे टी क्यूब आ गया, तो ये तीनों तो किसके फलन है, टी के फलन है, तथा आई कैफ जे कैफ के कैफ अक्षों के अनुदिश, ये एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाई अक्ष के अनुदिश, ये जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हैं, अक्षों के अनुदिश, अक्षों के भाई वेक्टर का काम है तो बार बार एकांक सदिश जरूर आएंगे, सदिश का ही तो काम है, तो अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं, अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक एक्स हो गया, वाई अक्ष के अनुदिश ये वाला घटक, जेड एक्स के अनुदिश ये वाला घटक, और ये एकांक सदिश है। देन अगर इसका अपने को डेरिवेटिव करवाए, इस आर का डेरिवेटिव करवाए, तो आप क्या लिखोगे, डी आर अपोन डी टी, आर का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डी आर अपोन डी टी, तो आपको इसका डेरिवेटिव करवाए तो आप ये लिखोगे डी अपोन डी टी, या एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये लिखोगे। और दोस्तों इसको आप लिखोगे डी एक्स अपोन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपोन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपोन डी टी के कैप, इसको ऐसे लिखोगे। तो इसको क्या कहा जाता है, घटक। ये एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, ये वाई अक्ष के अनुदिश घटक, ये जेड अक्ष के अनुदिश घटक। तो घटकों के पदों में सदिशों का अवकलज। ओके, फिर अपन आगे चलेंगे, इतना उतारिए। आसान सी चीजें हैं सारी। चले आगे, अगला जो टॉपिक है वो है सदिशों के योग का अवकलज। मान लो दो सदिश हैं, उनके योग का अवकलज कैसे परिभाषित होता है। चलो हटा देता हूं इसको। सदिशों के योग का अवकलज, सदिशों के योग का अवकलज दोस्तों अपन देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट आर बराबर मान लो दो सदिश हैं ए और बी, ए और बी का योग कर रखा है और इनका अवकलज मैं लिखूंगा हियर ए व बी, ए व बी, ए और बी अदिश सर, अदिश चर टी के अवकलीय फलन है। अदिश सर टी के कौन से फलन है, अवकलनीय फलन है। मतलब ए और बी का डेरिवेटिव किया जा सकता है, और ए और बी फंक्शन किसके हैं, टी के फंक्शन हैं। देन देन आप डी आर अपॉन डी टी करोगे, डी आर अपॉन डी टी करोगे तो आप क्या लिखोगे, डी अपॉन डी टी ए प्लस बी, और ये बन जाएगा अपना डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। तो अगर अपने जो सदिश है वो योग के रूप में लिखा हुआ है, अगर जो सदिश है वो योग के रूप में लिखा हुआ है तो इनका अवकलज इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यहां दोस्तों ये था कि ए और बी दो सदिश थे। अरे भाई ए बराबर मान लो एफ टी, टी का फलन है, और बी बराबर मान लो फाइव टी, दोनों टी के फलन है। तो ए और बी दोनों सदिश थे, तो सदिशों का योग का अवकलज इस प्रकार से किया जाता है। चलो ये तो दो सदिशों के लिए हो गया, लेकिन अगर ज्यादा सदिश हो तो व्यापक रूप में यहां लिख देता हूं, व्यापक रूप जनरल फोरम, व्यापक रूप जनरल फोरम, यदि ए वन ए टू और ए एन अदिश चर, अदिश चर टी के, अदिश चर टी के अवकलनीय फलन है। यदि ए वन ए टू ए एन जो हैं वो अदिश चर टी के अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है,
फलन है एंड तथा आर बराबर इन सारे वेक्टर्स को, अच्छा अदिश सर टी का फलन हो गया तो ये सदिश हो गया, तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, अगर इन सारे वेक्टर्स का एडिशन आर से डिनोट किया जाए तो जो डी आर अपोन डी टी होता है वो होता है डी ए वन अपोन डी टी, डी ए टू अपोन डी टी प्लस डी ए एन अपोन डी टी होता है। तो ये तो दो वेक्टर्स के लिए था और वो एन वेक्टर्स के लिए हो गया, व्यापक रूप हो गया। ओके चलिए आगे। अगली जो हेडिंग है अपनी, मान लो एक अदिश और एक सदिश हो तो उनके गुणनफल का उकलज कैसे किया जाता है। इसमें तो दोनों सदिश थे, उनका योग का उकलज की बात कर रहे थे। तो अपन हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, ये जो ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं उनको लिखते जाओ, अदिश फाई, एक तो फंक्शन लेते हैं स्केलर फंक्शन अदिश फाई तथा सदिश ए, अदिश फाई तथा सदिश ए, अच्छा वेक्टर लगा लो ना, सदिश है तो अदिश फाई तथा सदिश ए के गुणनफल का उकलज, गुणनफल का अवकलज अदिश फाई तथा सदिश ए के गुणनफल का अवकलन क्या कैसे किया जाता है, मैं लिख लेता हूं लेट आर बराबर फाई ए, तो ए तो वेक्टर है, अच्छा ये भी वेक्टर है, ये अपना अदिश फलन है और ये सदिश है, चलो ठीक है, यहां ये भी लिख लेता हूं हियर, यहां फाई वह ए दोनों किसके फलन है, टी के अवकलनीय फलन है, मतलब फाई का भी अवकलन किया जा सकता है। और अरे अदिश का मतलब क्या है, अदिश का मतलब कॉन्स्टेंट मत मान लेना, जैसे अदिश बराबर फाई बराबर मैंने लिख दिया टू टी क्यूब ऐसे लिख दिया, ये अदिश हो गया, ये कॉन्स्टेंट थोड़ी ना है, अच्छा ये तो अदिश हो गया लेकिन इसके साथ में ये लिख दिया तो अब ये सदिश बन गया। तो ध्यान रखना कि अदिश, आप अदिश को जैसे टू, ये तो इसको तो बोला जाता है स्केलर, इसको तो स्केलर बोला जाता है, इसको तो बोला जाता है कॉन्स्टेंट, सॉरी इसको तो क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेंट बोला जाता है, और ये जो लिखा हुआ है फाई बराबर टू टी क्यू इसको बोला जाता है अदिश। तो मैं क्या लिखूंगा, हियर फाई वे ए दोनों दोनों अदिश सर टी के अवकलनीय फलन है, डेरिवेटिव फंक्शन है, अवकलनीय फलन है, फलन है, तब तो फाई तो स्केलर फंक्शन है और ए अपना वेक्टर फंक्शन है और इनका प्रोडक्ट है, गुणनफल का उकलज किया जाता है वो होता है डी आर अपोन डी टी, तो इसको कैसे लिखेंगे, डी अपोन डी टी और यहाँ लिखेंगे फाई ए, ये वेक्टर है ये स्केलर है, सबसे पहले फाई को बाहर निकालो और लिखो डी ए अपोन डी टी, फिर डी फाई अपोन डी टी और ए को बाहर निकाल लिया, तो इधर की साइड से निकाल लो या आगे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के ये हुआ फाई को बाहर निकाला, नॉर्मल तरीके से जो अवकलन होता है ना वैसे, दो फंक्शन का अवकलन कैसे होता है, पहले को बाहर निकाला दूसरे का अवकलन और फिर पहले का अवकलन दूसरे को बाहर निकाला, ऐसे होता है अदिश फाई और सदिश ए के गुणनफल का अवकलन जिस प्रकार से करना है अपने को।
ओके चले आगे। अगला लिखता हूं, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का उकलज कैसे किया जाता है? अगला पॉइंट लिखो, दो सदिशों के के अदिश गुणनफल का दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज। देखो दोस्तों, अगर मान लो दो सदिश ए और बी हैं, तो उनका जो अदिश गुणनफल होता है, जैसे मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं, तो इनका एक तो होता है सदिश गुणनफल और एक होता है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल तो इनका डॉट लगा के दर्शाया जाता है, ये तो अपना क्या होता है अदिश गुणनफल, ये तो अपना क्या होता है अदिश गुणनफल, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये अपना होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ये होता है सदिश गुणनफल, ये तो होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और ये होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज। सबसे पहले टॉपिक डालो, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट आर बराबर मान लो अपने को ये दिया है ए और बी दो वेक्टर हैं और बीच में डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का हो क्या रहा है अदिश गुणनफल हो रहा है। लिख देंगे हियर, यहाँ ए व बी दोनों दोनों सदिश ये मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सदिश हैं, ए और बी दोनों सदिश अदिश चर किसके फलन है, अदिश चर टी के अवकलनीय फलन है, अदिश चर टी के अवकलनीय फलन है। यहाँ पे ए और बी दोनों किसके फलन है, ए और बी दोनों है तो सदिश, लेकिन जो सदिश होता है वो फंक्शन अदिश चर का होता है, तो दोनों टी के फलन है। देन तब अगर अपने को डी आर अपॉन डी टी करना हो तो आप क्या करोगे दोस्तों, डी अपॉन डी टी और यहाँ ए डॉट बी, इस चीज़ को क्या लिखोगे, ए को बाहर निकालो तो फिर डॉट डी बी अपॉन डी टी प्लस, ए को बाहर निकाला डॉट डी बी अपॉन डी टी और फिर आपने लिखा डी ए अपॉन डी टी डॉट बी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि दो सदिशों का अदिश गुणन होता है ए डॉट बी या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक तो ये पॉइंट अदिश गुणन को ऐसे दर्शाया जाता है, और अदिश गुणन हमेशा क्रम विनिमता नियम की पालना करता है। अदिश गुणन कौन से नियम की पालना करता है, अदिश गुणन क्रम विनिमयता, नियम की पालना करता है, क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट करो चाहे बी वेक्टर का ए वेक्टर से डॉट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों जो सदिश गुणनफल होता है ना, वो क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मान बराबर नहीं होता है, ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, माइनस आगे आ जाता है। चलो ये हो गया। एक पर्टिकुलर केस इसमें बात करें, पर्टिकुलर केस या फिर विशेष स्थिति, मान लो ए और बी बराबर हो, इफ ए बराबर बी मतलब दोनों के दोनों वेक्टर ले रहे हो सेम ले रहे हो, देन डी अपॉन डी टी
भाई ए बराबर बी होगा तो ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर बराबर वो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा ए और यहाँ भी ए, ये ए ये भी ए, तो फिर इसको आगे लिख दूंगा तो ये ए डॉट डी ए अपॉन डी टी और ये भी ए डॉट डी ए अपॉन डी टी, तो कुल मिला के ऐसे बन जाएगा टू ए डी ए अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी ए स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है टू ए, ऐसे मान लो कि ए स्क्वायर का तो टू ए और फिर ए का बन गया डी ए अपॉन डी टी, तो ये इसका पर्टिकुलर केस है। अच्छा डॉट आएगा क्योंकि क्योंकि अपने को पता है ए डॉट ये, तो यहाँ टू ए डॉट डी ए अपॉन डी टी। अरे आप b की जगह a ले लो, यहाँ भी a ले लो, यहाँ भी a ले लो, फिर ये भी अदिश बनेगा और अच्छा ये भी सदिश बनेगा, ये भी सदिश, इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको आगे कर लो इसको पीछे कर लो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो a डॉट d a अपॉन dt, ये भी a डॉट d a अपॉन dt, तो 2a डॉट d a अपॉन dt, ये बन गया पर्टिकुलर केस। ठीक है, अगला है दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज। करें देखना, दो सदिशों के सदिश गुणन का अवकलज, मान लो कि भाई दो सदिश हैं ए और बी, दोनों का अच्छा सदिश गुणनफल ए और बी का सदिश गुणनफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। अच्छा आप वेक्टर मत लगाओ इनके ऊपर, लेकिन पता है कि भाई ए और बी क्या हैं, दोनों सदिश हैं, ए और बी दोनों सदिश हैं, तो दो सदिशों का सदिश गुणन जो होगा, दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है वो क्या लिखा जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और सदिश गुणन क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है, नहीं करता है, क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता है, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मान है वो नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मान होता है अगर इनको एक्सचेंज करोगे तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इसको लिखा जाता है, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है। तो मैंने लिखा दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलज, भाई ए और बी दो सदिश है, इनका सदिश गुणनफल कर रहा है किया हुआ है, ए क्रॉस बी है वो ए और बी के सदिश गुणनफल को व्यक्त करता है, इनका अवकलज बताना है, या ए और बी सदिश हैं और वो अदिश सर्क टी के अवकलनीय फलन है, देन आप क्या लिखोगे, अवकलज को डी आर अपॉन डी टी लिखोगे, इसका मतलब डी अपॉन डी टी और ये अपना ए क्रॉस बी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ए को आगे निकालो और डी अपॉन डी टी बी के साथ में आएगा तो डी बी अपॉन डी टी प्लस, फिर डी अपॉन डी टी ए के साथ में आया तो डी ए अपॉन डी टी और क्रॉस बी, आगे पीछे नहीं कर सकते इनको क्रॉस है, पहले ए को निकाल लिया डी अपॉन डी टी बी के साथ में आया फिर ए के साथ में आ गया और बी को ए, करो इसको। चले आगे, ओके फ्रेंड्स, अब देखो
ये तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल भी हो गया और अदिश गुणनफल भी हो गया। अब तीन सदिशों की बात करें, तीन सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलज बॉक्स से दर्शाया जाता है, इनको ट्वेल्थ क्लास में पढ़े हुए हैं ये सारी, इलेवेंथ या ट्वेल्थ में। तीन सदिशों के अदिश गुणन तीन सदिशों के अदिश गुणन का अवकलज का अवकलज तीन सदिशों के अदिश गुणन का अवकलज, तो इसको ऐसे लिखा जाता है बॉक्स से, बॉक्स में पैक किया जाता है ए बी और सी। अच्छा, तीनों क्या है, ये वेक्टर है, इसको ऐसे दर्शाया जाता है ए बी सी, लिख देंगे हियर, यहाँ ए बी सी तीनों तीनों है तो सदिश है, लेकिन फलन किसके हैं, वो अदिश सरटी के फलन है, तीनों अदिश चार अदिश चार टी के अवकलनीय फलन हैं, टी के अवकलनीय फलन हैं। यहाँ ए बी सी जो तीनों हैं वो अदिश सर टी के अवकलनीय फलन हैं। अदिश सर टी के अवकलनीय फलन है। अब देखना, हाँ तो चलो ये तो बता देता हूँ, अदिश सर टी के अवकलनीय फलन है, देन अगर आप इनका अवकलज करोगे तो अवकलज आर का अवकलज होता है डी आर अपोन डी टी, तो वो क्या होगा डी अपोन डी टी, और ये बॉक्स वेक्टर बॉक्स में लिखे हुए होते हैं ए बी सी। अच्छा, अब इनको कैसे किया जाता है देखना, बॉक्स ये डी अपोन डी टी पहले तो ए के साथ में आता है, तो डी ए अपोन डी टी और ये बी ये सी प्लस ए को ऐसे कैसे, फिर डी अपोन डी टी बी के साथ में आता है डी बी अपोन डी टी और ये सी प्लस ए और बी को रोको, ए और बी को रोका और ये डी अपोन डी टी सी के साथ में आता है तो डी सी अपोन डी टी, ऐसे इनका अवकलज किया जाता है। अच्छा, इस बॉक्स वेक्टर की मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दूं, तो नोट में अगर लिख लेंगे, नोट में क्या लिख लेंगे कि मान लो कि ए बी और सी अगर तीन वेक्टर हैं तो इनका जो अदिश गुणनफल किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मान होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये तो चलो पहला हो गया। दूसरा, अगर मान लो इन तीन वैक्टर्स में कोई भी दो समान हो जाए, अगर इन तीनों में कोई भी दो समान हो जाए तो मान कितना हो जाता है जीरो, अगर मान लो कि तीनों के तीनों समान हो जाए, तीनों के तीनों वेक्टर समान हो जाए तो मान कितना हो जाता है जीरो। चौथा है, मान लो ए बराबर हो गया, मान लो बी बराबर ए टी, बी बराबर एल्फा टी, एल्फा ए बी बराबर एल्फा ए, या इस चीज़ को मैं सिर्फ तो बोल सकता हूँ कि बी किसके समांतर है, ए के समांतर है, बी ए के समांतर है, देन आप यहाँ क्या लिखोगे ए बी सी, इसका मान क्या लिखोगे ए और बी की जगह क्या लिखोगे एल्फा ए और सी, तो एल्फा तो बाहर चला जाता है तो ये बना ए ए और सी और इसका मान कितना हो जाता है जीरो, एल्फा तो बाहर चला जाता है और इसका मान जीरो हो जाता है। मतलब दो सदिश अगर समान हैं या समांतर हैं तो हमेशा उनके बॉक्स जो गुणनफल होता है उसका मान जीरो हो जाता है। तो पांचवा पॉइंट मैं ये लिखूं इसमें, यदि दो सदिश समान या समांतर हैं, या तो बिल्कुल समान हैं या फिर क्या है समांतर हैं तो उनके बॉक्स प्रोडक्ट का मान जीरो होता है, इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट का मान जीरो होता है। दो सदिश समांतर हैं
या फिर समान हैं, या तो समान बन गए और या समांतर हैं, उनके बॉक्स प्रोडक्ट का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो ये काफ़ी है इनके लिए करने के लिए। अच्छा इसको ए डॉट बी क्रॉस सी होता है, अगर दो सदिश समान हो गए इसमें तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो, अगर तीनों समान हो गए तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो, अगर समांतर हो गए तो भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो। याद रखना दोस्तों, अगर मैं छठवां पॉइंट बोलूं, दो वेक्टर समान हैं तो समान वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो। अगर दो वेक्टर समान हैं तो उनका जो सदिश गुणनफल होता है वो कितना होता है, समान सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो होता है। और जैसे अगर दोनों सदिश समान हैं तो उनका अदिश गुणनफल लिख दिया जाता है ए स्क्वायर। समान सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो होता है और समान सदिशों का अदिश गुणनफल ए स्क्वायर होता है। चलो कीजिए, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई बॉक्स वाली। बॉक्स को ऐसे खोला जाता है ए डॉट बी क्रॉस सी, दो सदिश अगर समान है तो जीरो, तीन समान है तो जीरो, समांतर है तो इस प्रकार से लिखा जाता है। कीजिए इसको।